मेरी एक वीडियो में लोगों ने बोला था कि आप श्रेडेड कृष्णा को श्रेडेड क्यों कहते हो, वो कहाँ से श्रेडेड है। वी हैव श्रेडेड कृष्णा इन द बैकग्राउंड और ही इज मूविंग सम हैवी वेट्स। चल शाबाश कृष्णा वीडियो में, कम ऑन, बहुत बढ़िया। ओए तू रैपर है? अरे बहुत बढ़िया, कम ऑन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से भाई, आराम से। एंड आज मेरे साथ जिम में त्यागी नहीं है, आई हैव न्यू जिम पार्टनर्स, क्योंकि त्यागी बहुत ज़्यादा जिम मिस करने लग गया है। तो सबसे पहले मेरे साथ है श्रेडेड कृष्णा, जिम कर रहे हैं हमारे साथ। और देखो भाई, अगर आप मेरे दोस्त हो ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप फिटनेस में या जिम वगैरह में, मतलब आपको करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा बहुत प्रो बट होना चाहिए, बिकॉज मेरा इन्फ्लुएंस ऐसे ही पड़ता है। हमारे साथ मेरा बकरी वाला फ्रेंड भी है, एसडी योगेश बकरी भाई, हाँ, और साथ में रोहित भी है। रोहित पापे नेक्स्ट कर रहा है मेरा ग्रीन में। रोहित ने जो टी शर्ट पहनी वो मेरी टी शर्ट है, मैं उसकी घड़ी पहनता हूँ, मैं उसके जूते पहनता हूँ, लेकिन वो मेरी टी शर्ट पहनता है। जिम वाला जो भी सामान है, जिम के कपड़े वो सारे मेरे होते हैं, बाहर वाले कपड़े सारे उसके होते हैं। और आज वैसे मेरा ऑफ डे था, बट बॉयज़ को मैं जिम लेकर आया हूँ। ये थोड़े से किसी अलग जिम में जाते थे, बट मैंने कहा एक बार मेरे जिम करो, साथ में वर्कआउट करते हैं। तो हियर आई एम डूइंग सम बाइसेप्स भाई, नसें आनी चाहिए, लेफ्ट आर्म में नसें आती हैं, कर्मा। भाई तो मेरे को दिखा रहा है, उसको क्यों दिखा रहा है? बंद हो गया भाई, इतना हार्ड गाया से बंद हो गया। कम ऑन योगी, कम ऑन एसडी योगेश, 18 इंचेस भाई, बहुत मोटा, अबे सच में बहुत मोटा लग रहा है कसम से। चल कम ऑन कृष्णा, अब मार, अब मार। भाई बहुत मोटा लग रहा है, फ्लेक्स कर रहा, फ्लेक्स दोनों, सबका सही हो गया। अब मेरी बारी, अब कृष्णा और रोहित यहाँ पे बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए, और हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत बढ़िया। भाई एक बात बता दूँ, मेरे ग्रुप में जितने भी बंदे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है फिटनेस जिम से रिलेटेड हो, बट स्पोर्ट्स में सब ने कुछ ना कुछ लाइक कुछ ना कुछ मतलब अपना मार्क छोड़ा हुआ है। मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने दिल्ली की टीम को रिप्रेजेंट करा हुआ है क्रिकेट में, और रोहित तूने वो करा ना फुटबॉल, फुटबॉल को रिप्रेजेंट किया मैंने अपने ये जोनल स्कूल से, जोनल वगैरह खेलता था। योगेश भी फुटबॉल खेलता था, और योगेश ने जूडो में करा हुआ है, और कृष्णा ने कॉलेज में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें पार्ट लिया था इसने, दिल्ली क्रिकेट का चैंपियन, सब ने कुछ कुछ किया हुआ है। बट बात ये कि दिल्ली में हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें मौके मिले। कृष्णा हरिद्वार से है, तो इसको शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, नहीं मिली। तुझे लगता है अगर तू दिल्ली में रहा होता तो तेरे को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती? हाँ ऑब्वियसली, बड़ा ही शहर है तो इधर देखे बोला भाई, ऑब्वियसली बड़ा शहर है तो मेरे को ज्यादा अपॉर्चुनिटी। तुझे ऐसा लगता है कि इधर आया तो लाइट ज्यादा पड़ रही है, देखो ऐसा लगता है कि काश मैं दिल्ली से होता, ऐसा कभी आया मैंने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि जितना सुकून मेरी लाइफ में और जितनी तमीज मेरे अंदर है वो इतनी इन लोगों में नहीं है। दिल्ली के लोग बदतमीज होते, ये भी तो फिर मेरे को स्विमिंग आ गई हरिद्वार में रहकर, तो मैं वो। बट तू अभी तुमने इंडायरेक्टली बोला दिल्ली के लोग बदतमीज है, तुमने इंडायरेक्टली ये बोला अभी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोला, सॉरी, दिल्ली के लोग बदतमीज है। सो इट्स टाइम फॉर पोस्ट वर्कआउट मील, और हम चार तो हैं जिम वाले लौंडे, और साथ में मेरे ये दो भाई भी हैं, मेरे छोटे कजन भाई हैं। ये इसका नाम है, नाम बता भाई अपना, इंट्रोडक्शन दे। अमोग, अब पूरा नाम बोल। अमोग बेस्ट, अमोग बेस्ट, कॉस्ट बेस्ट,
क्या? Constipation. और आपके जो छोटे भाई होंगे आप उनको मैकडी ले आते हो, KFC ले आते हो, लेकिन नहीं, मैं पहले ही बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ. चिकन सब्वे इन द हाउस और खा के देख, पहली बार सब्वे खा रहे हैं. टेस्ट रिव्यू कर, खाओ बता कैसा. मुँह पे नहीं घुस रहा उसके. बहुत प्रेशर में आ गए खाना है. टेस्ट कैसा लगा? झूठ बोल रहा है, सच बता. अब वो खा बढ़िया. अबे चबा तो ले पहले. और एक बार आप अमोक का हेयर स्टाइल देख सकते हो पूरा. एक बार दिखा सही पूरा, इसने ऐसे करा और बीच में बारह मेरे को ऐसे हवा मार के देख, फूक मार के देखो. फूक मारना पूरा वो. अगर आपने माला माल वीकली देखी हो तो उसमें बाजी होता है ना राजपाल यादव, बिल्कुल वैसा वाला हेयर स्टाइल लग रहा है. बढ़िया अच्छा कौस्तुभ इधर. तेरे को पता मैं बहुत फेमस यूट्यूबर हूँ, ठीक है, और अब तू मेरी वीडियो में आ चुका है, तू फेमस होने वाला. तो देखो कैसा लग रहा है, तू फेमस जाएगा सब. तू अभी स्कूल में जाएगा ना कल, देखो सब लोग बोलेंगे अरे कौस्तुभ तू तो मोहित की वीडियो में आया था. कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है. सारी लड़कियां तेरी फैन होने वाली है. कौन सी क्लास में तू? सिक्स क्लास में. सारी लड़कियां सिक्स क्लास, इतनी भी लड़कियां हैं जो वीडियो देख रही हैं, कोई देख रहा होगा. तो कौस्तुभ को थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट देना, ठीक है. खुश है? इसने मुझे बोला था कि बोलने के लिए वीडियो में. हाँ तूने बोला था झूठ मत बोल. और मेरे को अमोक ने भी बोला था. अमोक कौन सी क्लास में आ गया तू? 11th में आगे. इसने बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं. पढ़ाई में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. और इसने मुझे बोला था भैया प्लीज वीडियो में ले लो, ताकि लड़कियां मुझसे पूछें कि मोहित की वीडियो में पूछती हैं लड़कियां. बिल्कुल अच्छा, मतलब वीडियो में आए भी नहीं पूछती हैं, पर वीडियो में आगे और लड़कियां पूछेंगे. बेशक मुझसे ना पूछा होगा किसी ने, मैं तुझसे पूछेंगे. ये क्या कर रहा है? आई होप. अच्छा आई होप. अलग अलग नए नए बच्चे नई जनरेशन के कुछ भी लगा. आई होप. सो गाइस येट अगेन आई एम गोइंग आउट टू ईट आउट विद माय फ्रेंड्स. और कहीं भी जाते हैं उससे पहले अपना कपड़ों का एक्सप्लेनेशन देते हैं. तो ऊपर मस्ती शर्ट है, हाफ स्लीव, ताकि थोड़ा बाइसेप दिखे. और नीचे मैंने कुछ चेंज के लिए क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट्स ट्राई करे हैं. मैं वैसे आपने मुझे शॉर्ट्स में बहुत कम देखा होगा, क्योंकि भाई ये देख रहे हो काब्स बहुत पतली है मेरी, इसलिए मैं ट्राई नहीं करता. बट स्टिल, और ये वो नए वाले जूते, इसके बारे में वीडियो भी बनाई थी मैंने. सो ऑल ओवर कैसा लग रहा है सर बता. मैं क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे काम इतने बदले, तो मैं यूजुअली शॉर्ट्स नहीं पहनता हूँ. बट स्टिल कैसा लग रहा है? सिंपैथी लेने की अच्छी ट्राई करी है यहाँ पे बहुत ज्यादा. नहीं बट कैसा लग रहा है? सही लग रहा हूँ. हाँ भाई, वैसे ये पूरा स्टाइल जो है, दिस इज स्टाइल बाय, लिखा था नीचे कभी मॉडल लिखते हैं स्टाइल बाय. तो मेरे भाई का स्टाइल बाय श्रेयस कृष्णा. तो मॉडल नंबर टू इन द हाउस इज श्रेयस कृष्णा. आजा भाई. यार दिस इज एम्बैरेसिंग मैन. तो मॉडल नंबर टू इज हियर, जिसने पहनी है ओवरसाइज टी-शर्ट. भाई तो ये टी-शर्ट मिली थी गिफ्ट बर्थडे पे, और साइज थोड़ा बड़ा हो गया भाई की तरफ से. हां बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ा लूज फिट है, कोई बात नहीं, हम बड़े हो जाएंगे ना, टी-शर्ट टाइट कर लेंगे. अभी चलेगी 7-8 साल और. और क्या. और फिर ये नीचे जींस है. ये जींस जो है ये भाई की है मोहित. अरे जूते भी मोहित भाई के हैं. आज बंदे ने मेरे जूते से मैच करा ना, ये पिंक और फिर ये पिंक. पिंक नहीं साले, वो है ऑरेंज. ऑरेंज जो भी यार, मतलब वैसे तो ऑल ओवर लुकिंग गुड. So guys, we have come to, क्या नाम है जगह? मामा गोटो. दिस इज़ इन खान मार्केट और दिस इज़ अ जैपनीज रेस्टोरेंट. और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है योगेश, ये पिछले एक साल से बोल रहा है कि भाई प्लीज़ जैपनीज क्यूजीन ट्राई करना. हम हर बार भाई हम लोग बर्गर पैटी में पड़े हुए हैं, और ये हमें बहुत डिस करता, हमारी बेइज्जती करता, भाई बर्गर पैटी खा के ही मरोगे, वही खाते रहोगे ज़िंदगी भर. तो हमने कहा भाई एक बार योगेश की सुन लेते हैं एंड लेट्स ट्राई जैपनीज क्यूजीन. और हमने मंगवाया है रामेन. रामेन हुआ है ना? रामेन इज अ वेरी फेमस डिश, जापानीज डिश है ना? ओडल नूडल जो भी है, मतलब समथिंग रामेन जो भी है, समथिंग लाइक दैट, मेरे को नाम भी नहीं याद. बट उसका टेस्ट रिव्यू करेंगे कैसा है. सो गाइस कृष्णा ने मंगवाया है यहाँ पे आंटीज प्लेटर. बड़ा अजीब सा नाम है, पर दिखने में सही लग रहा है. ये वेज है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेज. और मैंने और योगेश ने सेम मंगवाया है. योगेश नाम क्या है इसका? बताना हमारे वाले का नाम क्या है. Udon noodle something. This looks pretty nice. Yogi taste review kar jaldi. Kaisa? Badhiya. Oye. Mazedar chicken, matlab thoda sa, matlab barabar spices jitni honi chahiye. मज़ा आ जाएगा, इतना भर भर के चिकन है इसमें. प्रोटीन तो भाई अंधा मिलने वाला है इससे, मज़ा आया भाई. सो गाइस डन विद द फूड. कहा गए थे मामा गोटो. मैं नाम बार बार भूल रहा हूँ, मेरे को यामा मोटो आ रहा है मन में बार बार.
और खाना बहुत अच्छा था, लेकिन वो कहता है क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि भाई मेरी फट गई थी खाते खाते। कैसा लगा योगी तेरे को? योगी फट गई थी। कृष्णा कैसा लगा तेरा प्लेटर? बढ़िया था। वेज क्यों मंगवाते तू मेरे को बता, वेज क्यों मंगवाता यार? ऐसी वेज खाने का मन था, ये क्या बात है? हर बार नॉन वेज ही खाना है। वेजिटेरियन नहीं है ये बंदा, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन बाहर जाके उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। वेज सस्ता होता है इसलिए। हां इसलिए भी 100 रुपए का फर्क पड़ जाता है गाइस। पर और सबसे बड़ी बात ये गाइस, हम पीछे पीछे लड़कियां जा रही हैं और ये 100 रुपए बच जाते हैं, पागल है क्या? अगर मैं ये बात ना करता फिर तो पड़ जाती है भाई। बट ऐसे लड़की हमें थोड़ी बोलते हैं भाई, पागल है क्यों? क्यों 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 भाई, उनको 100 रुपए मत बोल। करती वो भी होंगी, करती वो भी होंगी भाई। रियल रहे, शो करने के हम फेक मत बन, रियल रहे। बात ठीक है तेरी, रियल रहना चाहिए, लेकिन लड़की को सामने फेक करना चाहिए। तू नहीं करता होगा शायद इस वजह से। चल छोड़, इस वजह से क्या मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे? अभी शायद इस वजह से तेरी गर्लफ्रेंड होगी, पर मैं ऐसा करता हूँ भाई, मैं रियल हूँ, मैं फेक नहीं हूँ।